हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा उषा कंपनी के इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर में। तो दोस्तों इसके अंदर आईजीबीटी खराब है, तो अब दोस्तों आईजीबीटी लगाने से पहले हम ड्राइव को कैसे चेक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आईजीबीटी निकाल दिया है। अब आईजीबीटी निकालने के बाद में सबसे पहले क्या होता है, मान लो कि बहुत कोई आईजीबीटी नया इंस्टॉल कर देता है, नया लगाने के बाद क्या होता है दोस्तों, मेटल को सेंस नहीं करता है। तो उनको क्या ऐसा लगता है, हो सकता है जो यहाँ पे चार SMD पैकेज में ट्रांजिस्टर है और यहाँ पे दोस्तों एक डायोड है। ओके, यहाँ पे टोटल SMD पैकेज में देखेंगे तो ट्रांजिस्टर टाइप में आपको दिख रहा होगा, टोटल 5 कंपोनेंट है, 5 में 4 आपका ट्रांजिस्टर है, 4 में आपका 3 NPN है और एक PNP है और एक यहाँ पे दोस्तों 41-48 का डायोड है। ओके, और दोस्तों ये खराब है कि सही है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर इसको चेंज करते हैं। कभी क्या होता है, किसी को पता है तो ठीक है, पता नहीं है तो उल्टा का सही लगा देते हैं, फिर भी आपका PCB और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो उसी चीज़ को आपको यहाँ पे कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ पे आपको क्या करूँगा, एक 5 mm की LED या 3 mm की LED, कोई सा भी कलर ले लो, रेड, ग्रीन, ब्लू, जो आपको कलर मिले वो ले लो। ओके, हम इसके IGBT निकाल देंगे। IGBT निकालने के बाद में यहाँ पर ध्यान देंगे तो इसका एमीटर ए वाला होता है, मतलब हम अगर इस साइड से आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इस PCB में बकायदा लिखा हुआ एमिटर, एमिटर मतलब होता है ग्राउंड। गेट, गेट पे दोस्तों पल्स आता है, पल्स कैसे आता है आप यहाँ पे समझ सकते हैं, साइड में देख सकते हैं, वैसे गेट पे पल्स आता है। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे आपको ये LED बल्ब को लगाना है। आप थ्योरी में आपको भी बता देता हूँ, उसका जिसका प्रैक्टिकल आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है जी। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे, मैं यहाँ पे IGBT बना देता हूँ, ठीक है जी, IGBT यहाँ पे बना देता हूँ। IGBT में हर किसी को पता होगा 3 पिन होता है, दूसरा और तीसरा, बीच वाला पिन दोस्तों ये क्या होता है, कलेक्टर होता है, तो इसका कोई काम अभी नहीं है। ए वाला आपका एमिटर होता है, एमिटर मतलब ग्राउंड हो गया, ठीक है जी, एमिटर मतलब ग्राउंड हो गया। ए वाला आपका गेट होता है, ओके, यहाँ पे इसको गेट हो गया। गेट मतलब क्या है दोस्तों, एक आपको सिंपल सा बताऊँ, मतलब ये जो घर का गेट होता है ना, जो दरवाज़ा होता है, आप वैसे ही समझ लो। अब इस गेट को खोलने के लिए यहाँ पे क्या होता है, एक रेजिस्टेंस लगता है, 10 ओम का भी बोल सकते हैं, 10 ओम का रेजिस्टेंस लगता है, और यहीं से दोस्तों एक आपका पल्स आता है। पल्स कहाँ से आता है दोस्तों, ड्राइव सेक्शन से आता है, और इसको कंट्रोल कौन करता है, माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल करता है। हम दोस्तों अब यहाँ पे जो ये ड्राइवर सर्किट है, यहाँ पे मैं एक ड्राइवर सर्किट इसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर में दोस्तों यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए 1, 2, 3, 4 ट्रांजिस्टर लगा देता हूँ, ये आपको सिंपल सा, और यहाँ से दोस्तों यहाँ पर ड्राइव निकलता है। जब IGBT खराब हो जाएगा तो ड्राइव सर्किट भी खराब होने की चांस होती है, और ये 10 ओम की रेजिस्टेंस होने की खराब होने की चांस होती है। अब उसी को कंफर्म करना है कि हमारा जो ड्राइव सेक्शन है तो वो सही है कि खराब है। SMD पैकेज में थोड़ा कठिन होता है, डीप में होता है तो आप आसानी से चेक कर सकते हो, लेकिन SMD में थोड़ा कठिन होता है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, आप LED पे फोकस करोगे। LED पे दोस्तों आपको यहाँ पर पता होगा कि LED के अंदर एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होता है। आप LED को गौर से देखोगे तो जो झंडा जैसे दिखेगा, झंडा आप समझ गए ना, जो बजरंगबली का झंडा दिखेगा वो समझ लो आपका क्या है, माइनस है। और जो यहाँ पे डंडा जैसे दिख रहा है, मतलब एकदम डंडा जैसे महात्मा गांधी का डंडा होता है ना, वैसे यहाँ पे डंडा जैसे दिखेगा, मतलब प्लस है। ओके, हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस माइनस पे, मतलब कि हमारा एमीटर पे माइनस चल जाएगा, मतलब एमीटर पे हमारा LED का झंडा चल जाएगा और गेट पे LED का डंडा चल जाएगा। ओके, और उसके बाद जैसे ऑन करेंगे तो LED हल्की सी ग्लो होगी, मतलब आप ये समझ लेना कि आपका ड्राइव सेक्शन सही है। इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान देंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक LED लगा दिया है। LED दोस्तों आप कोई सा भी कलर का लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों मैंने क्या किया है, जो आपका PCB का निगेटिव है तो मैंने LED का निगेटिव ले लिया, और IGBT का जो गेट है, ओके, वो गेट पे दोस्तों LED का पॉजिटिव लगा दिया, मतलब आपका बीच वाले पॉइंट पे नहीं लगानी है। ओके, किनारे किनारे आपको लगाना है, ये बात को आपको समझ लेना है। अगर उल्टा भी लगा दोगे तो LED ख़राब नहीं होगी, फिर इसको सही करके लगा सकते हो आप। अब यहाँ पर सबसे पहले सप्लाई दो, AC सप्लाई दिया, इसके साथ में डिस्प्ले कंट्रोल पैनल होना चाहिए, तभी आप पल्स को चेक कर सकते हो। अभी दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑन करता हूँ, ऑन करूँगा तो आप देख सकते हैं तो LED यहाँ पे ब्लिंक हो रही है। आपको यहाँ पे मैं स्लो मोशन में करके दिखाऊँ
तो एलईडी यहाँ पे ब्लिंक हो रही है, ठीक है जी, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर एलईडी ब्लिंक हो रही है मतलब कि आपको 100 में 99% की आपका जो यहाँ पे ड्राइव सेक्शन है, जो एसएमडी पैकेज में ट्रांजिस्टर है, वो आपका ओके है। आप यहाँ पे आईजीबीटी लगा दो, कैपेसिटर ग्रो को चेक कर दो और आपका इंडक्शन में दोस्तों सही हो जाएगा। अगर एलईडी ग्लो नहीं करेगी तो दोस्तों इसका कोई ना कोई कंपोनेंट खराब होगा, ठीक है जी। तो एक छोटी सी वीडियो थी दोस्तों, बाकी दोस्तों और डिटेल्स में इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ये पल्स को दोस्तों हम डीओसो से भी चेक कर सकते हैं, उसके लिए मेरे पास डीओसो आ रहा है कुछ दिन के बाद में, तो पहले आपको चेक करके बताऊंगा कि देखना बिना मेटल रखे एक छोटी सी पल्स निकलती है, उसी की वजह से यहाँ पे एलईडी जलती है, ओके। बाकी दोस्तों इसका बहुत सारे ड्राइव सेक्शन चेक करने का मैंने वीडियो बना चुका हूँ यूट्यूब पे, और वो वीडियो को चेक कर लेना, जाके देख लेना तो और आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पर दोस्तों आप नए विजिट कर रहे हो, आपको इंडक्शन का मास्टर बनना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर दोस्तों वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, आपको अगर मंगानी है तो कैसे ऑर्डर करें, तो सबसे पहले गूगल में जाना है www.rajinduction.com पे। वहाँ पे दोस्तों बहुत सारे कंपोनेंट अवेलेबल हो जाएंगे। अब उसको ऑर्डर कैसे करना है, खरीदना कैसे है, तो कुछ नहीं करना है, वहाँ पे जाएंगे आईजीबीटी पे, और आईजीबीटी का जैसे ओपन होगा तो यहाँ पे दोस्तों बाई व्हाट्सअप का ऑप्शन आएगा, उसको एक बार क्लिक करना है और सीधे मेरे व्हाट्सअप से कनेक्ट हो जाएंगे। आपको जितना पीस चाहिए वहाँ पे दोस्तों आपको क्वांटिटी डालनी है, उसके बाद दोस्तों एक कोटेशन मिलेगा और उसके हिसाब से आपको पे करनी है। 7 से 10 दिन के अंदर में आपको घर बैठे कंपोनेंट मिल जाएगा। अगर मेरे ऊपर विश्वास है दोस्तों तो आपको पहले पे करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर दोस्तों।